या गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? यस सर, ओके, यस सर। हाँ तो विल स्टार्ट विथ मेडिकेम. वी हैड लास्ट टाइम कहाँ पर स्टॉप हुए थे, याद है? मेडिकेम में क्या कवर किया था लास्ट टाइम? डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स। ओके, राइट. तो वो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, डायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स्ड एक्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, टुडे वी आर गोइंग टू डू द एसएआर ऑफ योर एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट. तो जो भी आपके पोर्शन में एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है उनका एसएआर हम लोग करने वाले हैं. वी वांट टू डू द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दोस पर्टिकुलर ड्रग्स. तो ये जो आपका अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, वट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई विल ऑल्सो फुल स्क्रीन करता हूँ मैं. सो या सो वट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज नथिंग बट फिनाइल, नथिंग बट योर फिनाइल इथेनॉल अमाइन एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट. वो क्या होते हैं, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एज वी गो अहेड. ठीक है, तो सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसएआर ऑफ एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट. सो आई होप अभी सबको पता है अगोनिस्ट का क्या मतलब है. आई होप एवरीबडी इज नाउ अवेयर व्हाट अगोनिस्ट मीन्स. चाहिए तो आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन शो यू द सिलेबस अगेन. तो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे, एस ए आर ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स. ये आज हम लोग करने वाले हैं. ऑब्वियसली उसके अंदर ये सब ड्रग्स आते हैं आपके, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स एक्टिंग, दीज आर ऑल कम अंडर योर सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स. उसके अंदर वो सब आते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स एक्टिंग, ऑल ऑफ दोस. ठीक है, तो हम लोग उनके वो पूरे क्लास का, वो जितने भी जो भी ड्रग्स है उनका एक क्लास होता है. दैट क्लास इज कॉल्ड एज सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स और एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट. दे आर टुगेदर कॉल्ड एज एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट और यू कैन आल्सो कॉल देम एज सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स. उनका एसएआर आज हम लोग करेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दोस सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, और इफ यू वांट टू कॉल देम, यू कैन आल्सो कॉल देम एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट. तो उनका आज हम लोग एसएआर करेंगे. तो I'll go to the next slide. So this is the basic structure. This is the basic structure of an adrenergic agonist. ठीक है? I hope it is visible clearly. So this is the basic structure of an adrenergic agonist. This structure is also called as phenylethanolamine class. Phenylethanolamine class. ठीक है? ये structure देखो ना, यहाँ पर एक phenyl ring है. ये फिनाइल रिंग है. इथेनॉल अमाइन, अमाइन तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये अमाइन ग्रुप है. ठीक है, इथेनॉल अमाइन कहाँ से आया? एनी आइडिया हाउ व्हाई इट इज कॉल्ड इथेनॉल अमाइन? इथेनॉल क्यों बोल रहे हैं उसको? बिकॉज ऑफ द ओएच ग्रुप प्रेजेंट। हाँ, वो तो हाइड्रोक्सी हो गया ना, इथेनॉल क्यों? सर R1, नो सर R2 रे। नहीं, इथेनॉल क्यों? इथेनॉल का क्या मतलब है, कितने कार्बन होने चाहिए? दो टू दो कार्बन कार्बन तो है ना यहाँ पर, दो कार्बन. ये क्या दो कार्बन है ना यहाँ पर, ये दो कार्बन है और ये उधर एक हाइड्रो ओएच है, हाइड्रोक्सी है. तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज इथेनॉल. प्लस ये वाला ग्रुप क्या हो गया आपका, अमाइन. प्लस ये वाला ग्रुप क्या हो गया आपका, फिनाइल. That is why it is also called as phenyl ethanol amine class of adrenergic agonist. ठीक है, तो now I'll just erase the slide. अभी आप देखो ये सब एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. ये तो मैंने सिर्फ पांच पांच ही एग्जाम्पल दिखाए हैं आपको ये टेबल पे. आइडियली ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे प्राइम एग्जाम्पल इन दिस क्लास इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. तो अगर आप देखो नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, आई विल ट्राई टू ड्रॉ R1 R2, देख लो क्या क्या है. R1 क्या है, R2 क्या है और R3 क्या है.
ये आप भी देख लो और मेरे को बाद में बताओ कि क्या क्या कहाँ पर कैसे ड्रॉ करना है। तो आई विल जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अनदर स्ट्रक्चर हियर, देन यू कैन जस्ट टेल मी कि वही वो फिनाइल इथेनॉल अमाइन जो है वही मैं इधर वापस ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया OH। ओके, R1 कहाँ पर है? R1 इज अटैच टू व्हाट ग्रुप? अमाइन अमाइन ग्रुप। अमाइन R2 कहाँ पर है? सेम सेकेंड अमाइन कार्बन, सेकेंड कार्बन, अमाइन नहीं, ये वाला इधर इधर, तो वो सेकेंड कार्बन पे नहीं, यहाँ पर है, ये है आपका R2। ठीक है, R3 कहाँ पर है? फिनाइल पे। हाँ, R3 इज नथिंग बट योर फिनाइल रिंग, वो पूरे फिनाइल रिंग। नाउ एपिनेफ्रिन का R1 क्या था और R2 क्या था और R3 क्या था? R1 हाइड्रोजन था, R2 मिथाइल, चलो नॉन एपिनेफ्रिन बोलो पहले। ओके, दोनों दोनों भी HH, भी मतलब R1 और R2, तो R1 R1 भी H, तो यहां पर वो हो जाएगा NH2, यहां पर भी H, ठीक है। और R3 क्या था आपका? डायहाइड्रोक्सी थ्री फोर डायहाइड्रोक्सी, 3-4। तो अभी मैं इसका नंबरिंग, वो फिनाइल रिंग का नंबरिंग कहां से चालू करूं मैं? 1 कहां पर लिखूं फिनाइल? सर, वो इथेनामाइन ग्रुप से। हाँ, जहां पर ये ग्रुप अटैच है ना, ये वाला ग्रुप जो अटैच है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहां पर जाऊंगा 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अभी वो लोगों ने क्या बोला है? 3-4 ना डायहाइड्रोक्सी, यस सर, 3-4 डायहाइड्रोक्सी, मतलब यहां पर एक OH यस। आएगा और यहां पर भी एक OH आएगा। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अभी एपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर में क्या अलग है? मिथाइल ग्रुप है, एच की जगह R2 पर, कौन कौन से आर वन पे? पे, आर टू R1 पे, पे, आर वन कोई बोल रहा है R1 पे, कोई बोल रहा है आर R2 पे, वन देख लो। R1 पे है ना एपिनेफ्रिन में, R1 पे CH3 है। R1 मतलब ये आपका NH2 निकल के यहां पर आ जाएगा NH CH3, तो ये हो जाएगा आपका एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये तो चलो दो ड्रग्स हो गए, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, सिंपल थे R1, R2, R3। अभी ऐसे और बहुत सारे ड्रग्स है इधर, मैं अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको जो दिख रहा है अभी स्क्रीन पे उसमें सिर्फ 5 ड्रग्स है। आइडियली देर आर एटलीस्ट 12 to 14 ड्रग्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास। उसका पूरा टेबल फोए में दिया हुआ है, द एंटायर टेबल इज गिवन इन फोए वेरी वेल। तो जब भी आप फोए ओपन करोगे तो आपको पूरा टेबल मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैंने यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर 5 दिए हैं। इसका लास्ट एग्जाम्पल देखो, आइसोप्रोटीन एनॉल, ये भी आपके पोर्शन में है। नॉट ऑल ड्रग्स विल बी देयर इन योर पोर्शन। हाँ, ये जो टेबल मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये वाला टेबल, टेबल 10.3, ये फोए में अगर आप देखोगे तो देर आर एटलीस्ट 13 to 14 ड्रग्स इन दैट टेबल। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट ऑल 13-14, बिकॉज आपके पोर्शन शीट में जो ड्रग्स मेंशन है वही ड्रग्स आपको करने हैं। आपके पोर्शन शीट में नॉरएपिनेफ्रिन मेंशन है, एपिनेफ्रिन मेंशन है, और फिर आइसोप्रोटेनॉल मेंशन है, और भी है, वो हम लोग करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट इतना याद रखो, पूरा टेबल बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, जो ड्रग आपके पोर्शन में है वही आपको करना है। अभी आइसोप्रोटीनोलॉल का R1 क्या दिख रहा है आपको? ये CH CH3 ट्वाइस, दिस इज योर R1। R2 इज H एंड R3 इज 3-4 डायहाइड्रोक्सी। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर बेसिक फिनाइल इथेनॉल अमाइन ड्रग क्लास वर्क्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, मालूम है, हर एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड